आईपीएल सीजन 16 का आठवां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतने के बाद राजस्थान के कप्तान संजू ने पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने दी, लेकिन उनका ये फैसला उन पर ही भारी पड़ता नजर आया क्योंकि पंजाब की शुरुआत धमाकेदार रही। प्रभसिमरन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते पंजाब को बेहद शानदार शुरुआत मिली, लेकिन इस मुकाबले में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने सिर्फ शिखर धवन ही नहीं बल्कि जॉस बटलर की भी दिल की धड़कनें बढ़ा दी। अब वो क्यों, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। भाई आर अश्विन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, अगर इन्हें मार्केटिंग रनआउट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर आईपीएल, मार्केटिंग का हक तो रविचंद्रन अश्विन को बचपन से ही मिला है। ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में भी हुआ। जब पंजाब के स्किपर शिखर धवन नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे तो उस समय बल्लेबाजी प्रभसिमरन कर रहे थे। उनको गेंद कराने से पहले रवि अश्विन रुके और शिखर धवन को चेतावनी दे डाली कि अगर आप ये लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो आपका डंडा उड़ा दिया जाएगा। जी हाँ, एक बार फिर से मार्केटिंग रनआउट के चलते रविचंद्रन अश्विन सुर्खियां बटोर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने साल 2019 के आईपीएल में जॉस बटलर को मार्केटिंग रनआउट किया था। उस समय ये मुद्दा काफी विवादों में आया था, लेकिन अब तो मार्केटिंग एक लीगल रनआउट माना जाता है। तो ऐसे में रविचंद्रन अश्विन अगर धवन को रनआउट करते तो धवन को वापस जाना पड़ सकता था, लेकिन अश्विन अन्ना ने यहां पर अपने आप को रोका और धवन को सिर्फ धमकी देते हुए कहा कि आप ये लाइन क्रॉस मत कीजिए। लेकिन रविचंद्रन अश्विन इसके बाद धवन को घूरते हुए नजर आए, लेकिन गब्बर तो गब्बर है, उन्होंने अपनी मुस्कान की चमकान से अश्विन का भी दिल पिघला दिया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।